सोलन में जहां एक और दहशत का माहौल है, लोगों की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। लोग अपने और घरवालों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित दिख रहे हैं। वहीं कुछ लोग सोलन में ऐसे भी नजर आ रहे हैं जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें कोरोना छू भी नहीं पाएगा। यही वजह है कि वे बिना किसी डर के पार्कों में और बाजारों में घूम रहे हैं और मस्तियां मार रहे हैं। सोलन में जहां एक और दहशत का माहौल है, लोगों की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। लोग अपने और घर वालों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं। वहीं कुछ लोग सोलन में ऐसे भी नजर आ रहे हैं जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें कोरोना छू भी नहीं पाएगा। यही वजह है कि वे बिना किसी डर के पार्कों में और बाजारों में घूम रहे हैं और मस्तियां मार रहे हैं। हद तो ये है कि एक दिन पहले देश के प्रधानमंत्री ने बताया कि 10 वर्ष से कम और 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को ये अपना शिकार बना सकता है, लेकिन बुजुर्ग लोग सोलन के पार्कों में धूप सेकते नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो शहर हो या गाँव, अभी भी धार्मिक समारोह और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिनमें भारी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। इस व्यवस्था पर माल रोड एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील चौधरी ने रोष जताते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक निर्देश तो दे दिए हैं, लेकिन अभी तक उन पर शहरवासी अमल नहीं कर रहे हैं। पार्कों और बाजारों में भारी भीड़ देखी जा रही है। लोग धार्मिक और सामाजिक दोनों तरह के आयोजन घरों में कर रहे हैं जिन पर रोक लगने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह समय है जब सब लोग मिलकर कोरोना से लड़ सकते हैं। केवल जिला प्रशासन या सरकार के कदम ही काफी नहीं है। इस वक्त पर सभी नागरिकों को जागरूक होने की आवश्यकता है। ऐसा है कि हमारे यहाँ पर वैसे तो एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन की है, 16 तारीख से कर दी थी उन्होंने कि कोई भी रेडी फड़ी नहीं लगेगी। पार्कों में लोग कम से कम जाएं, बाजार में कम से कम निकलें, अगर जरूरत का सामान लेना हो तभी निकलें। पर उसके बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगी अगर जब तक हम लोग खुद ही उठकर उनका साथ नहीं देंगे। अब यहाँ पर देखिए, कल तक 16 तारीख के नोटिफिकेशन थी, कल तक रेडी फड़ी सारी मार्केट में लगी हुई थी, पर उसके बावजूद फूड के रिलेटेड जो आइटम्स है वो नहीं होने चाहिए। पार्क में लोग बुजुर्गों को अंदर रहने की सलाह दी गई, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बोला कि बुजुर्ग और बच्चे घर में रहें, पर उसके बावजूद पार्कों में वही रश है। आसपास के हम देखते हैं कई जगह जैसे उठाला चला हुआ है, जैसे हमारे यज्ञ चले हैं, ये सब चीज़ें बैन होनी चाहिए। आज की डेट में दो दो चार चार आदमी से ज़्यादा तो कहीं होना नहीं चाहिए। इसका तो ये मतलब हुआ कि 144 धारा लगाने के बाद ही लोग सीधे हो सकते हैं। लोगों को खुद आगे बढ़कर साथ देना चाहिए। ये हमारे नहीं, पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा खतरा मानव जाति पर मंडरा रहा है। पर इसका इलाज है, इसका इलाज है कि हम आपस में एक दूसरे डिस्टेंस मेंटेन रखें, घर से पब्लिक प्लेस पर कम से कम जाएं। जैसे प्रधानों को अभी ये गाइड करने की जरूरत है? बिल्कुल गाइड करने की जरूरत है। वैसे तो नोटिफिकेशन की कॉपी सबके पास गई है कि किसी भी पब्लिक मीटिंग को ऑर्गेनाइज ना किया जाए, पर अगर वो प्रधानों का डायरेक्टली टच होता है अपने पंचायत के लोगों से, अगर वो उन्हें स्पेशली दोबारा से एक उन्हें एक गाइडलाइन दी जाए तो मेरे हिसाब से वो ज़रूर उस पर एक्शन लेंगे। इस समय तो सबसे बढ़िया ये है कि आप अपने घर पर रहें और घर से ही, अगर कोई बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से ही अपने सारे चीज़ों को ऑपरेट करें। और वैसे इसके लिए 22 तारीख को भी एक जनता कर्फ्यू की बात की गई है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कदम है और इसको पब्लिक को पूरा साथ देना चाहिए इसमें।